हेलो एवरीवन, आप सभी का सर के चैनल पर स्वागत है। देखिए, मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम अनु सिंह है, ठीक है, और मैं पिछले 4 से 5 सालों से पढ़ा रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑफलाइन। ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ कई सारे चैनल्स पर, और ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, और मैं हरदोई से हूँ। ओके, तो आज हम बात करते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, जो मैथ का पार्ट है वो आपका सर पढ़ाएंगे, पढ़ा ही रहे हैं आपके चैनल पर, है ना। आप जानते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपके लिए हिंदी लेकर आऊँगी, हिंदी का जो सेशन है, और पैडागॉजी यूपीटेट के लिए। आपको पता है जो हिंदी ग्रामर है, ये आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपीटेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, गन्ना पर्यवेक्षक, है ना, इन सब में हिंदी का बहुत अच्छा पोर्शन आपका पूछा जाता है। या फिर आप यूपीपीसीएस के कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आरओएआरओ हो, है ना, आरओएआरओ विधान परिषद हो, आरओएआरओ लोकसभा हो, है ना, तो ये जितने भी एग्जाम होते हैं लोअर पीसीएस हो, उसमें हिंदी की इतनी महत्ता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आपका अच्छा खासा हिंदी का पोर्शन पूछा जाता है, और आप ये नहीं कह के इग्नोर कर सकते हो कि हिंदी ईजी है तो हम इसे छोड़ सकते हैं। आने वाला जो टाइम है, जो कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, इसमें आपका हिंदी से ही, मतलब हिंदी इतनी महत्ता रखती है, तो आपको हिंदी अगर ईजी है तो इसमें एक भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। किसी भी एग्जाम में अगर वो हिंदी आपका सिलेबस है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी, ठीक है, और हिंदी में हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा। देखिए, अगर हम संज्ञा की बात करें तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, संज्ञा ये होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, के नाम को संज्ञा कहते हैं, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब हम बचपन तो है नहीं, अब हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका एक एक नंबर मैटर करता है, ठीक है। तो अगर हम संज्ञा की बात करें तो आपको पता है कि संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है, संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये सबको पता है, हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन संज्ञा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम संज्ञा की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही पूछ लिया जाता है कि संज्ञा कौन सा शब्द है। अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी, विकारी क्या होता है, अब आपके मन में ये जानने की चेष्टा होगी कि विकारी क्या होता है। विकारी का मतलब होता है ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे शब्दों को विकारी शब्द बोलते हैं। मैं लिंग के अनुसार बता रही हूँ कैसे परिवर्तित, जैसे कि मैं क्या बोलूँ, जैसे कि खुशी नाच रही है, है ना, खुशी छोटी सी बच्ची, है ना, तो इसलिए खुशी नाच रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मोहन नाच रहा है, तो रही है, रहे हैं, दोनों में चेंज हो रहा है ना, लिंग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है ना, इसीलिए संज्ञा को क्या बोलते हैं, विकारी शब्द, क्योंकि वो चेंज हो रहा है ना लिंग के अनुसार, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। आपका पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संज्ञा कौन सा शब्द है, तो आपको पता चल गया विकारी शब्द है, ठीक है। जितने भी ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जितने शब्द होते हैं विकारी शब्द होते हैं। ओके, डिफिनेशन आपको पता है, ये बता दिया संज्ञा कौन सा शब्द है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। ओके, अगर हम संज्ञा के प्रकार की बात करें तो संज्ञा दो प्रकार की होती है। अभी आप चौंक जाओगे कि संज्ञा दो प्रकार की कैसे होती है, आप सुनिए, आगे 10-5 मिनट जितने मैं पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से सुनिए केवल। देखिए, अगर हम मूल रूप से संज्ञा की बात करें, चाहे हम मूल रूप से बात करें कह दें, या फिर प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा दो प्रकार की थी। कौन कौन से दो प्रकार थे, ये दो प्रकार थे, यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा। देखो यथार्थ का मतलब क्या होता है, यथार्थ का मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका अस्तित्व होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो भी आपको दिख रहा है आपके सराउंडिंग, वो सारी चीजें संज्ञा है। ठीक है, तो जितनी भी चीजें हैं वो संज्ञा है। ओके, यथार्थवाचक का मतलब होता है जिनका अस्तित्व है, जिसे आप मूर्त रूप से देख सकते हो और उसके बारे में, जैसे मैंने बोला मछली है ना, जैसे मैंने बोला बिल्ली, तो बिल्ली का संप्रत्यय आपके मस्तिष्क में बन रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्ली आप इमेजिनेशन में, आपके बिल्ली है ही नहीं, है ना। तो आपके मस्तिष्क में बिल्ली का वो संप्रत्यय बन रहा है ना, तो बिल्ली क्या हुआ, यथार्थवाचक संज्ञा हो गया। अगर मैंने कह दिया दुख, अब आप बताइए दुख को आप कैसे अपने मस्तिष्क में, दुख को केवल फील कर सकते हो ना। दुख, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जितने भी शब्द होते हैं इनको केवल आप फील कर सकते हो। ठीक है, इनको आप फील कर सकते हो, इनको आप मूर्त रूप से इनको मस्तिष्क में सोच नहीं सकते हो। कि आप किसी के बुढ़ापे को बचपन में सोच सकते हो, भाई कोई बुढ़ापा आप नहीं इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो मूर्त रूप से जिन वस्तुओं का आपके मस्तिष्क में संप्रत्यय बनता है वो यथार्थवाचक होते हैं। ठीक है, यथार्थवाचक का मतलब होता है जिनका अस्तित्व रहता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यथार्थवाचक के अंतर्गत क्या क्या। अब बाद में क्या हुआ, यथार्थवाचक संज्ञा को कैटेगराइज कर दिया गया। कैसे कैसे, देखिए यथार्थवाचक में व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है आपके एग्जाम में, तो मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। ओके, अभी यथार्थवाचक को चार भागों में बांट दिया गया और पांचवा ये, यथार्थवाचक को भी चार भागों में बांटा गया और पांचवा ये, एक दो तीन चार पांच। अभी आपने बहुत सी बुक्स में देखा होगा कि वो लोग बताते हैं, बहुत सी बुक्स में लिखा होता है कि संज्ञा पांच प्रकार की होती है, यहाँ से आई संज्ञा पांच प्रकार की, चार ये पांचवी ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे होता है कि बहुत सी किताबों में ये भी लिखा होता है कि संज्ञा तीन प्रकार की होती है, कैसे होती है मैं बताती हूँ। देखिए पहला तो संज्ञा व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। ठीक है, ये तीन प्रकार थे। ठीक है, पहले मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की थी, उसके बाद थोड़ा सा आप जानते हो जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं चीजों को कैटेगराइज करते रहते हैं। पहले मानव बंदर था, ठीक है, उसके बाद होमो सेपियंस का उदय हुआ और इंसान बनने की प्रोसेस शुरू हुई। वैसे ही पहले संज्ञा का जब स्टार्टिंग पॉइंट में पहले तो संज्ञा को डिफाइन किया, जब नए नए वैज्ञानिक आए, नए नए लेखक आए, तो वो अपने अनुसार परिवर्तन करते जाते होंगे, है ना। तो इसके बाद में संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ, ये जातिवाचक को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, प्लीज आप लोग नोट करिए, है आप लोग नोट करते रहिए साथ में और एक एक लाइन की नोट्स बनाइएगा। ओके, अभी हम अगर व्यक्तिवाचक की बात करें, मैं समझाती हूँ व्यक्तिवाचक क्या होता है। मैंने बोला आपसे मोहन सोहन, है ना, मोहन सोहन राधा, है ना, गीता सीता, है ना, जितने भी हैं ये व्यक्ति की ओर, नदी नहीं, मैंने बोला नील नदी कहाँ पे है आपको बताना है, अफ्रीका में है ना नील नदी, है ना। मैंने कहा अमेजन नदी, है ना, अमेजन नदी कहाँ पे है ये आपको फाइंड आउट करना है, है ना। तो जैसे ही मैंने कहा नील नदी, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कहूँ नदी, अगर मैं नदी कहूँ तो जातिवाचक, ओके। लेकिन अगर मैंने नदी को बोल दिया नील नदी, पर्टिकुलर नदी को पॉइंट आउट किया, तो फिर ये आपका
व्यक्तिवाचक हो जाएगा, अदरवाइज ये जातिवाचक रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने कर, ये मोहन है, ठीक है, मैंने कहा लड़का, ठीक है, लड़के बोल दिया, ठीक है, ये मैंने बोल दिया लड़की, अभी मैंने लड़की जहाँ पे बोला वहां पे जातिवाचक संज्ञा हो गई। कैसे, लड़कियां तो बहुत सारी होती है ना, आप बताओ ना कौन सी लड़की। ठीक है, तो ऐसे ही व्यक्तिवाचक जातिवाचक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप समझ रहे हो ना, अभी ये पढ़ाने के बाद एक छोटा सा ट्रिक निकल रहा है। अगर आपको व्यक्तिवाचक फाइंड आउट करना है ना, तो आप व्यक्तिवाचक में क्या, अगर एक वचन आता है, अगर कोई भी वस्तु एक वचन है तो हमेशा व्यक्तिवाचक रहेगी। अगर कोई भी वस्तु को बहुवचन में चेंज किया जा सकता है तो वो जातिवाचक हो जाएगी। जैसे कि नदी को आप बना के देखिए, नदियाँ, नदियाँ बन रहा है ना, तो वो तुरंत जातिवाचक हो जाएगा। लड़की को लड़कियाँ, लड़का को लड़के, चेंज हो रहा है ना। पुस्तक चेंज करिए पुस्तकें, ऐसी जितनी वस्तुएं एक वचन के जिनको बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है वो जातिवाचक। ये एक छोटी सी मैंने ट्रिक बता दी, यही पढ़ाते पढ़ाते मतलब निकल रहा है ना, यही पढ़ाते पढ़ाते। जैसे कि मैंने बात की नदी, अब आप ही बताइए आप कितने याद करोगे कि ये नदियों के नाम जातिवाचक, पहाड़ों के नाम जातिवाचक, पर्वतों के नाम जातिवाचक, हवाओं के नाम जातिवाचक, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं। अभी मैंने बोला विली विली कहाँ का है, तूफान है कहीं का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैंने कह दिया तूफान तो फिर वो जातिवाचक हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया लू, लू तो हवा होती है ना, गर्मियों में चलती है इंडिया में, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया केवल हवा तो वो जातिवाचक हो जाएगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। देखिए, अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो इस संसार में जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी मटेरियल, सोना चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, लकड़ी, है ना, आप इमेजिन कर लीजिए, जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में चले जाएंगे। ठीक है, सोना चांदी, हीरा मोती, ये सब है ना, आप जानते हो, लोहा, तांबा, पीतल, ये द्रव्यवाचक में चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। देखिए, समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं। समूह मतलब जितना भी ये संघ, सेना, गुच्छा, टोली, गुच्छा, टोली, है ना, ये जितनी चीजें होती है, ग्रुप, ये सारे समूह, जिनका कोई ग्रुप बनता हो, जिनका कोई समूह बनता हो, वो सारी चीजें चली जाएंगी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, है ना। अभी हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए, भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती है जिनको आप मूर्त रूप में ना तो देख सकते हो और ना ही छू सकते हो, है ना। आप ये मान के चलिए जितनी भी चीजें दिखती हैं, दृश्य हैं, ठीक है, वो तो हो जाएगा यथार्थवाचक में चली जाएंगी, और जो चीजें अदृश्य हैं, जैसे परमात्मा, अभी आप बताइए परमात्मा को किसने देखा, किसी ने देखा है क्या, किसी ने नहीं देखा, तो वो भाववाचक हो जाएगा, है ना। अभी मैंने कहा बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ईमानदारी, बेईमानी, ये जितने भी होते हैं भाववाचक में। अभी आप बताइए किसी की ईमानदारी को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, उसको परख सकते हो ना आपके प्रति कितना ईमानदार है। किसी की चोरी को देख सकते हो, मुझे भी पकड़ के दिखाइए चोरी, चोरी कुछ नहीं होता है, आप केवल फील कर सकते हो, है ना, ईमानदारी, बेईमानी, ये सारे भाववाचक संज्ञा के अंदर चले, जवानी, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, बचपन, बचपन, है ना, बेईमानी, बेईमानी, ईमानदारी, ईमानदारी, है ना, ईमानदारी, और सुख दुख, सुख दुख, करुणा, वात्सल्य, है ना, ये जितनी भी चीजें होती है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चली जाती हैं। आप इमेजिन करके देखना, जैसे आप, मैंने आपसे कहा कि आम, ठीक है, तो आम का संप्रत्यय आपके मस्तिष्क में बन रहा है कि आम जैसी कोई चीज होती है, ठीक है, तो ये यथार्थवाचक में हो जाएगा।
और अगर भाववाचक संज्ञा आती है, आप सोच के देखिए, अगर आप वो चीज आपके मस्तिष्क में बन रही है तो भाववाचक नहीं है, अगर नहीं बन रही है वो आपके मस्तिष्क में तो भाववाचक है। अभी हम ईमानदारी की बात करें, अभी बताइए ईमानदारी का कौन सा संप्रत्यय आपके मस्तिष्क में बन रहा है? ईश्वर, ईश्वर का कौन सा संप्रत्यय आपके मस्तिष्क में बन रहा है? आप बता सकते हो कोई एक ईश्वर? ईश्वर तो बहुत हैं, लेकिन किसी ने आज तक दिखाया कि ईश्वर क्या होता है ना? तो ये जितना भी आपके मस्तिष्क में जिनकी केवल कोई भी कल्पना नहीं आती है ना, तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक। अपने अनुसार जिन्हें मान लेते हो, कोई भी कल्पना नहीं आती है, वो भाववाचक में चले जाएंगे। ओके, तो मैंने आज जो संज्ञा का आपका टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस सेट उठाइए प्रीवियस ईयर के, ठीक है, करना शुरू करिए, ठीक है। और जो भी गलतियाँ होती हैं, अगर आपको कुछ गलत हो रहा है आपका कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके पूछिए, है ना, मैं आपको जवाब दूंगी। और आप सभी लोग बताइएगा कि ये मेरा पहला क्लास है तो आपको कैसा लगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया, ये सारी बातें आप अपने लाइक और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।